हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आ गया था एमजी कार के पे छतरपुर पे और यहाँ पर आ रखी है ब्लैक कलर की जैगुआर, ये देखो। के बारे में इस पे काम चल रहा है अभी, तो भैया डिटेल बताएंगे। हेलो अर्ज भैया, वेलकम टू द चैनल। बढ़िया, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? सो बहुत अच्छी। तो गाड़ी आज हमारे पास आई हुई थी, बेसिकली इसमें ग्लॉस ट्रीटमेंट होना था। ओके। गाड़ी 4 to 5 years पुरानी है। 4 to 5 years पुरानी। यस, और वैसे वेल मेंटेन्ड है कार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो कपड़े से निशान आ जाता है थोड़ा बहुत, वो था। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमने पूरे बोनेट पे, और आपको दिखा सकते हैं आप व्यूअर्स को, पूरे पे हमने ग्लॉस ट्रीटमेंट किया है। ओके। एक्सटीरियर पर जितनी बॉडी है सब पे, पूरी गाड़ी के ऊपर ग्लॉस ट्रीटमेंट की है और गोल्ड क्लास वैक्स प्रोटेक्शन करी है गाड़ी पर। ओके, गोल्ड क्लास वैक्स प्रोटेक्शन। वैक्स प्रोटेक्शन बेसिकली उससे हाइड्रोफोबिक हो जाता है, ग्लॉस आ जाती है गाड़ी के ऊपर। ओके ओके ओके। आप देख सकते हैं कि अब इसमें पर्ल्स कितने अच्छे से आपको दिख रहे हैं पेंट में, कितनी क्लैरिटी आ चुकी है। मुझे तो दिख रहे गाइस, राजा 4K में शूट कर रहा हूँ तो शायद आपको भी दिख रहे होंगे। तो मैं बेसिकली यही कहता हूँ कि लग्जरी कार नीड्स लग्जरी केयर। एग्जैक्टली। अगर एक लग्जरी कार ओन करते हैं तो आपको उसकी केयर भी करनी चाहिए। राइट। और इंटीरियर में कुछ किया आपने? इंटीरियर में हमने पॉलिशिंग की है। पॉलिशिंग करी है। तो हर्ष जी, ये बताइए कि ये जो ग्लॉस ट्रीटमेंट है, हमें ये कितने बाद करानी चाहिए, कितने महीने के बाद करानी चाहिए, साल के बाद करानी चाहिए? बेसिकली ये वेरी करता है कि आपने अपनी गाड़ी कैसी कंडीशन में रखी हुई है। अगर उसके ऊपर स्कॉल मार्क्स हैं, कपड़े से निशान आए हुए हैं, और उसकी जो क्लियर कोट की ग्लॉस है वो हिडन हो चुकी है, तो आप उस पर 6 महीने में भी, कुछ कार को रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ कार को 1 साल में भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो डिपेंड्स आप अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन कर रहे हो, बट आई सजेस्ट कि 1 साल में तो कम से कम आप कराइए। ठीक है, 1 साल के अंदर करा लेना। 1 साल के अंदर करा लेना। और ये वैक्स से क्या होता है? वैक्स से बेसिकली गाड़ी के ना सरफेस स्मूथ रहता है और ग्लॉस मेंटेन रहती है गाड़ी की। ओके ओके। और थोड़ा हाइड्रोफोबिक भी हो जाता है, तो सरफेस के ऊपर कुछ भी चीज़ें स्टिक नहीं होती है। बट आप कभी भी वैक्स यूज करें तो एक अच्छी वैक्स यूज करें, लोकल क्वालिटी वैक्स नहीं यूज करें। तो गाइस, इंटीरियर में आपको दिखा रहा था, इंटीरियर में देखिए आप पूरी अच्छी तरह डिटेलिंग हुई है, आप देख सकते हो ये देखो। और काफी अच्छी तरीके से एमजी कार के लिए डिटेलिंग होती है इंटीरियर्स में, एक्सटीरियर्स में। आप एक बार ये फिनिशिंग देखो काम की। Have a look, have a close look. एक एक पार्ट अच्छे से डिटेल किया गया है और साइड डोर पैनल्स देख लो आप। इंटीरियर ड्रेसिंग हुई है। इंटीरियर ड्रेसिंग कम्प्लीट। गाइस, अब देखो आप धूप में कितनी अच्छी शाइन आती है, क्योंकि धूप में असली पता चलता है कलर का, जो इसमें कोटिंग हुई है उसका धूप में पता चलता है। तो शाइन अब आ रही है, आप देख सकते हो, पास से देखो जरा, काफ़ी अच्छी साइन आई है। तो गाइस, वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड। और भाई, ये कितने में हुई थी सर्विस, मतलब इसका जो आपने डिटेलिंग किया? और अगर एक आइडिया दूँ, डिपेंड करता है कार के ऊपर, पर एग्जैक्टली 8,000 to 12,000 के बीच में आ जाती है वो लग्जरी कार्स का।